हाय फ्रेंड्स, तो जो अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम कंपार्टमेंट वाला हो चुका है एंड जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उनका अभी चल रहा है। 22 को उनका एंड हो जाएगा। सो उनका रिजल्ट कब आएगा? सो आज का वीडियो इसी के ऊपर है कि आपका रिजल्ट किस दिन आने वाला है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सीबीएसई की तरफ से जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे वो सब भी आपको बताया जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि आपका रिजल्ट कब आएगा। सो उनका रिजल्ट जो है वो अगस्त में आएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि आपका रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा, बट अगस्त को कितने अगस्त तक आ सकता है? 15 से 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कंपार्टमेंट वाला। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले ईयर का अगर आप रिजल्ट देखोगे एंड एग्जाम डेट देखोगे तो वहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इतना दिन में कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो आ जाता है। यहाँ पे देखिए आप 2022 का, अगर आप सो फर्स्ट हम क्लास 12 का बात करते हैं तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर 23 अगस्त को, ठीक है। एंड जो उनका रिजल्ट है वो 7 सितंबर को आ गया था। तो अराउंड 10 to 15 डेज में आपका जो रिजल्ट है वो कंपार्टमेंट वाला आ गया था, ठीक है। एंड वही क्लास 10 का अगर बात करें तो क्लास 10 का तो एग्जाम है वो 29 अगस्त तक चला था। उनको 2 सब्जेक्ट में देने का रहता है तो उनका 29 अगस्त तक चला था। एंड उनका रिजल्ट 7 सितंबर के बाद 9 सितंबर को आया था, मतलब कि क्लास 12 के बाद 2 दिन बाद क्लास 10 का रिजल्ट आ गया था। सो यहाँ पे अराउंड 10 to 15 डेज 20 डेज के अराउंड आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। सो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि 15 to 20 अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था रिजल्ट को लेके। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।